हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू नून एकेडमी, वेलकम वेलकम वेलकम। चलो फटाफट सभी लोग आ जाओ, फिर स्टार्ट करेंगे आज के इस बहुत ही प्यारे से वर्कशॉप को। वेलकम रविराज, वेलकम सुहाना, वेलकम रुचा, खुशी, अदिति, राज, वेलकम कविता, सौरभ, लकी। आ जाओ सभी लोग फटाफट, फिर स्टार्ट करते हैं। सुनिधि, वेलकम वेलकम वेलकम। सभी लोग फटाफट आ जाओ, फिर हम लोग आज के इस बहुत से प्यारे से अच्छे से सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है आज का। यस, बहुत अच्छा राज। ओके, वेलकम कृष्णा, वेलकम शेख, वेलकम जयेश, क्या नाम है। ओके, सिमरन, भूषण, पीयूष, सभी लोग आ जाओ फटाफट। अभिषेक, लोकेश, रोहित, प्रथमेश, वैद्य, आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही प्यारा सा और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। तुम सब पढ़ाई तो कर रहे हो, बट टाइम का इस्तेमाल कैसे करना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है, किस टाइम पे कितना पढ़ना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, बहुत कुछ तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, यस अभिषेक, क्वेश्चन बैंक अभी मराठी में है बाबा, वो इंग्लिश में है ही नहीं, तो कैसे करूंगा मैं। एम फाइन अदिति, व्हाट अबाउट यू, वेलकम मोनाली, वेलकम श्री, रोहन, पीयूष। ओके पीयूष, आई विल ट्राई, डोंट वरी। हो गई है उबैद, नीट के लिए भी सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और तुम लोग को यहाँ के आज के सेशन में मैं बताऊंगा कि तुम लोग को कैसे पढ़ाई करनी है, टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे फोकस करना है, बहुत कुछ यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा। वेलकम ओम। तो यहाँ पे सारी चीजें तुम्हें पता चलेंगी आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम लोगों को लास्ट तक कम्प्लीटली वॉच करना है। सिर्फ 1 आवर आपके जाएंगे और उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, यस, वेलकम सुजल, वेलकम तनाया, गुड्डू, सभी लोगों को वेलकम, रितेश, मीत, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो यस गाइज, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन। गाइज आपको बता दूं कि मेरा नाम है प्रशांत और दिस इज माय क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल, एंड सेशन दिस इज द सेशन टाइमिंग। और आज का जो सेशन है ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। और आज का ये जो वर्कशॉप है ये गाइडेंस लेक्चर है, मेंटरशिप वाला लेक्चर है। यहाँ पे तुम लोगों को सारी चीजें बताऊंगा, तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन पहले एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं और किस तरीके से क्वेश्चन में मतलब समझने के बाद उसे लिखना है, सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे पता चलेंगी। क्योंकि यार देखो, पढ़ाई के अलावा भी उसे रिप्रेजेंट कैसे करना होता है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी हम सब कुछ पढ़ तो लेते हैं बट किस तरीके से और क्या लिखना है वो हमें नहीं पता होता, और कितने टाइम में हमें कौन सी चीज को लिखना है, किस तरीके से हमें टाइम को मैनेज करना है, ये सब कुछ हमें मालूम नहीं होता है। ये सब कुछ आपको आज की सेशन में पता चल जाएगा। ओके, इस बात को आपको समझ के रखना है। ठीक है, चलिए तो अभी गाइज मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारा नून एकेडमी है इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ठीक है, तो ये जो नून एकेडमी है ये एक सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तुमको यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ के फॉर्मेट में सारे के सारे नोट्स और तो और वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ, चाहे तुम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, चाहे तुम 10th में साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी तुम्हें पढ़ना हो, इवन 11th 12th का साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सारे सब्जेक्ट, नीट, जेई, सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे सारे टीचर्स मिल करके तुम लोगों को सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन को। ठीक है, तो ये तुम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, सो इसलिए गाइज आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी इस अकेडमी के बारे में रेफर कर सकते हो, जिससे कि वो सब भी तुम्हारे जैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे फ्रेंड भी पढ़ाई कर सके, क्योंकि तुम भी पढ़ रहे हो, उनको भी पढ़ने दो। क्योंकि हो सकता है कि सभी लोगों के पास फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी ना हो, तो सभी लोग यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये मेरे मुझे बताना था, इस बात को आपको ध्यान देना है। यस गाइस, लेट्स बिगिन, वेलकम टू नून एकेडमी, लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले और सबसे प्यारा सा सेशन है यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट का। अब देखो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सेशन तो यही है कि टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। देखो यार, तुम सब ना अगर मेरे बारे में पहले से ही जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं जानते हो तो मैं तुमको थोड़ा सा एक बताऊंगा। देखो यहाँ पे तुमको ना प्रैक्टिकली चीजें पता चलेंगी, यहाँ पे ना तुमको ऐसा नहीं कि कुछ भी थियोरेटिकली जो सभी टीचर्स आते हैं और बता के चले जाते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम
रियल कट टू कट चीजें यहाँ पे आज आपको पता चलेंगी, और जो इस सेशन को लास्ट तक रुकेगा वो बहुत कुछ आज यहाँ से नॉलेज लेकर के जाएगा। मैं आपको एकदम सच्चाई एकदम बताने वाला हूँ यहाँ पे सारी चीजें। देखो यार, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, कि हम टाइम टेबल कैसे बनाएं ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, किस टाइम टेबल को फॉलो करूं और मैं टॉप कर दूं ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, मैं ऐसा क्या करूं मतलब किस टाइम पे पढ़ूं, सुबह पढ़ूं, शाम को पढ़ूं, दोपहर में पढ़ूं, कब पढ़ूं कि मैं इतना टॉप कर दूं, इतने मार्क्स निकाल दूं। मैं आज आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्या तुम्हें लगता है कि शाम को पढ़ने वाला बंदा टॉप नहीं कर सकता, और या फिर सुबह पढ़ने वाला बंदा टॉप नहीं कर सकता, या फिर जो सिर्फ दोपहर को पढ़ता है वो टॉप नहीं कर सकता, या फिर कोई सिर्फ 4 घंटे ही पढ़े और वो टॉप नहीं कर सकता, और कोई कोई 10 घंटे पढ़ के वो भी टॉप नहीं कर सकते, ऐसा होता है क्या? सब कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, हर इंसान की अपनी अपनी पहचान होती है। कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है, कोई 10 घंटे पढ़ के 90 लाता है, कोई 4 घंटे पढ़ के ही 90 ला लेता है। हमें कभी रिग्रेट फील नहीं करना चाहिए कि हम कब पढ़ें, और एक कंफ्यूजन माइंड से हमेशा निकाल देना चाहिए कि हमको कितने बजे कितने टाइम पे पढ़ना है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट आज एक बात कह देता हूं, जो मेरे लाइफ की सबसे प्रैक्टिकल चीज आज तुम्हें बताऊंगा, मैं अपने खुद की लाइफ की जुड़ी एक चीज तुम्हें बताने वाला हूं, जिससे कि तुमको बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। यार जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि मुझे टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है, तब तक तुम कभी भी टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये हमारे ब्रेन की साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है कि जब तक हम किसी चीज को चाहेंगे ना, जैसे कि अगर तुम सोचते हो ना कि मैं इस चीज को नहीं देखूंगा, मैं ये चीज नहीं सोचूंगा, मुझे ये नहीं करना है, तो तुम वो चीज बार बार करोगे, क्योंकि वो हमारे इंसानी ब्रेन की वो फितरत होती है। तुम जिस चीज को बार बार अवॉइड करना चाहोगे, वो बार बार चीजें याद आएंगी, बार बार चीजें तुमको समझ में आएगा, उसी उसी की तरफ तुम बार बार जाओगे। ये कोई और चीज नहीं है, एज अ साइंस टीचर मुझे पता है बायोलॉजी में किस तरीके से हमारा ब्रेन वर्क करता है, और ये किसी चीज की बात नहीं है, दिस इज नॉट अबाउट एनी फीलिंग्स एंड ऑल एंड ऑल, कुछ नहीं, ये बस ऐसा हमारे ब्रेन का फितरत है, वो ऐसा ही करता है। तुम जिस चीज को अवॉइड करना चाहोगे वो बार बार तुम्हें याद आएगी। अगर मैं तुम्हें अभी कह दूं कि चलो फटाफट अपने नाम को भूल जाओ, तुम भूल के दिखा सकते हो क्या? तुम्हें अगर मैं इसी वक्त एक बात बोलूं, चलो तुम्हारे पास इतनी बड़ी शक्ति है, तुम इंसान हो, और चलो बताओ फटाफट अपने नाम को भूल जाओ, एनीबडी कैन, कोई अपने नाम को भूल सकता है? बताओ, तुम अपने नाम को भूल के दिखाओ। चलो मैं ये चैलेंज देता हूं तुम्हें, तुम अपने नेम को भूल के दिखाओ इसी वक्त, क्या तुम भूल सकते हो अपने नाम को? नहीं भूल सकते हो, तुम चाहे करके भी अपने नाम को नहीं भूल सकते, क्योंकि जितने बार तुम अपने नाम को भूलने की कोशिश करोगे ना, उतने बार वो तुम्हारा नाम तुमको याद आएगा, क्योंकि तुम क्या बोल रहे हो, तुम अपने नाम को भूल रहे हो और इनडायरेक्टली तुमको अपने नाम को याद कर रहे हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं आज? ये बात तुम्हें समझी कि नहीं समझी कि तुम क्या कर रहे हो? तुम जितने बार भूलने की कोशिश करोगे उतने बार याद आएगा। ये बार बार ट्राई मत करो कि मुझे टाइम को मैनेज करना है, एक बात को आप हमेशा याद रख लो कि बस करना शुरू कर दो, अपने आप सब मैनेज होना शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें एक बात बताना शुरू करता हूँ। आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड एंड मेरे घर की सारी सिचुएशन बदल चुकी थी, बहुत कुछ सब इधर उधर हो चुका था, सिर्फ मैं बचा घर पे और कुछ ऑप्शन भी नहीं बचा कि अब करना क्या है। ऐसा लग रहा था कि अब बस आगे की पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी एंड पढ़ाई कुछ छोड़नी पड़ेगी और कुछ नहीं हो सकता हमारा, बस एंड नाउ सब खत्म और पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी, कोई डिग्री भी नहीं मिल पाएगी, एडमिशन अच्छा खासा कॉलेज में हो गया, कॉलेज से निकाल दिया जाऊंगा क्योंकि फीस वगैरह सब नहीं भर पाऊंगा, ये ऑल इन ऑल बहुत कुछ सिचुएशन बदल चुकी थी। अब क्या करता मैं? तो फ्रॉम 12th अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने सोचा कि नहीं मैं पढ़ाई करूंगा, बस ये जुनून था कि मुझे अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है, मैं अपनी स्टडी चालू रखूंगा चाहे जो भी हो जाए, मैं दूसरा मैं एक सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करूंगा ना चलेगा, मुंबई में मैं 10,000 की जॉब करके भी महीने की मैं फिर भी अपने कॉलेज की फीस भरूंगा एंड मैं पढ़ाई करूंगा। फिर जब मैंने सोचा, मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, तुमको यहां से टाइम मैनेजमेंट का बहुत कुछ पता चलेगा, सीरियसली कह रहा हूं मैं, बहुत सारे लोगों को मे भी ये चीज पता होगी अगर मैंने कभी बताया होगा तो। जब मैं 12th में सोचा कि यार मैंने 12th में अच्छी खासी पढ़ाई की है, मुझे बहुत कुछ नॉलेज है, और मैं सिर्फ ऐसे कोई छोटे काम क्यों करना शुरू करूं, क्यों ना मैं सबसे बेस्ट अपना बेस्ट दूं, मैं अपना सबसे बेस्ट दूं, जो चीज मुझे आती है वो सब कुछ मैं अच्छे से, क्यों वो सबसे बेस्ट वाला क्यों ना करूं, मैं क्यों एकदम छोटी सी चीज के थ्रू शुरू करूं, मैं सबसे बड़ी चीज से ही क्यों ना शुरुआत करूं। मैंने सोचा और मैंने सोचा चलो यार पढ़ाई मतलब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाने आता है, मुझे फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, मैथमेटिक्स आती है, बायोलॉजी आती है, मुझे जब चारों सब्जेक्ट आते हैं तो मैं इनको क्यों नहीं पढ़ा सकता हूँ सभी लोगों को। सो मैंने पढ़ाना शुरू किया। अब ध्यान देना अच्छे से, यहां से कहानी शुरू होती है, हम टाइम तभी मैनेज करते हैं जब हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा एकदम होता है, उसको हमें मैनेज करने के लिए हो,
जब हमारे पास कुछ मैनेज करने के लिए होता ही नहीं तो हम उसे क्या मैनेज करेंगे। अरे भाई पैसे को तो वही मैनेज करेगा ना जिसके पास पैसे होंगे, जिसके पास पैसे ही नहीं होंगे वो क्या मैनेज करेगा बताओ जरा। तो वही बंदा टाइम मैनेजमेंट की बात करता है जिसके पास टाइम भरपूर होता है, जिसके पास टाइम ही ना वो क्या मैनेज करेगा टाइम को। समझा कि नहीं समझा। तो अपने आप को इतना बिजी रखो कि तुम्हारे पास टाइम बचे ही ना, तुम काम करते रहो और सबसे बेस्ट अपने सक्सेस को पाने के लिए वर्क करते रहो, तुम्हारे पास टाइम बचे ही ना, इस बात को तुम्हें समझ लेना। तो मैनेज क्या करोगे उसको, चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे तो जब मैं 12th के बाद सबसे पहले मैं एक क्लासेस में गया, मैंने बोला मैं आपकी क्लास में पढ़ाऊंगा, मेरे पास ऐसा ऐसा है और मैं एक बार मेरे को डेमो दे दो, फर्स्ट टाइम है, दिस इज टोटली अबाउट फर्स्ट टाइम मैं टीचिंग करने जा रहा था 12th में, 12th के बाद जस्ट। मैंने बोला कि ठीक है, मुझे एक क्लास में गया, वहां पे करीबन 10th के स्टैंडर्ड थे, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे थे, करीबन 70 बच्चे थे वहां पे क्लास में। और मैंने बोला वहां के ओनर से कि मुझे पढ़ाना है और आप मुझे दे दीजिए पढ़ाने के लिए, मैं एक बार ट्राई करता हूँ साइंस और मैं बेस्ट पढ़ा के दूंगा, एक डेमो मुझे करने दीजिए। मैंने पढ़ाया, सभी बच्चों को बहुत पसंद आया एंड फिर मैं वहां से पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं उस साल बच्चों को पढ़ाया, बहुत अच्छा खासा रिजल्ट था उन लोग में। तो यू विल नॉट बिलीव कि करीबन 14 बच्चे उस साल 90+ गए थे, 14 बच्चे उस साल 90+ गए थे। और बहुत खुश हुआ कि चलो यार, मतलब पूरे हमारे एरिया में वो क्लास ने टॉप किया था। जब मैं 12th के बाद से फर्स्ट ईयर का, जब मैं सेकेंड ईयर में पहुंचा तो वहां से करीबन मुझे, आपको यू विल नॉट बिलीव कि सारे लोग सोचने लगे कि यहाँ पे साइंस कौन पढ़ा रहा है। हमारे एरिया में सब लोग पूछने लगे अदर क्लासेस के लोग कि साइंस कौन पढ़ाता है इस क्लासेस में, 14 बच्चे 90 कैसे ला सकते हैं एक साथ। सो फिर वहां पे दूसरे क्लास में गया, वहां पर से मुझे कॉल आया, हर जगह मैं क्लासेस में पढ़ाना शुरू कर दिया और करीबन मैंने 5 ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी। मैं 5 ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता था, प्लस मेरी कॉलेज भी हुआ करती थी। ध्यान रखना अच्छे से बता रहा हूँ, हर क्लासेस में, इन 5 क्लासेस में से मुझे 3 क्लासेस में 2 घंटे देने हैं और एक और 2 क्लासेस में 1 1 आवर देने हैं, मतलब कि 6 आवर प्लस ये 2 आवर, यहाँ के 8 घंटे मेरे को देना ही देना है दिन के। मेरे कॉलेज होता था 4 घंटे का, अब जरा ध्यान देना, 12 घंटे ऐसे ही है। याद रखना इनमें से जो 5ों कॉलेज हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे 5 के 5 क्लासेस हैं, ये सारे के सारे क्लासेस कम से कम 5 5 किलोमीटर 10 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं, डिस्टेंस में। और मेरा कॉलेज यहाँ से करीबन 16 किलोमीटर है इन मुंबई, मुझे लोकल ट्रेन से जाना पड़ता था। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे अभी जरा फोकस करो, तुमको टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। जब मैं फर्स्ट क्लास में आता, सुबह हमारे कॉलेज होती थी 7 AM को, 7 AM को हमारी कॉलेज होती थी, मैं 7 AM को अपने कॉलेज जाया करता था। ठीक है, फटाफट 6 बजे उठता सुबह सुबह, 7 बजे कॉलेज पहुंच जाना होता है 1 घंटे में, फट से ट्रेन पकड़ के, देन उसके बाद वहां पर मैं 12 बजे तक रहता कॉलेज में, 7 से 8 बज जाते, 12 बजे तक होता था। हमारे यहाँ पे मुंबई में क्लासेस 9 बजे रात तक चलती हैं, 9 साढ़े 9 बजे रात तक चला करती हैं, यहाँ पे रात में कुछ पता नहीं चलता कि रात है कि दिन है। ठीक है, तो यहाँ पे रात तक क्लासेस चलती हैं, तो 12 बजे के बाद वहां से निकलता फट से। अब ध्यान देना, 1 बजे से मेरी पहली क्लास, 1 PM को फर्स्ट क्लास 1 PM से रहती थी, 1 घंटे में फटाफट फटाफट यहाँ से भाग के जाता, ये 1 घंटे क्लास खत्म करता 2 बजे की, ये हमेशा 5 मिनट लेट रहता था मैं, क्योंकि मुझे यहाँ से भाग भाग के यहाँ पे जाना पड़ता। फिर वहां से निकलता, 15 मिनट का गैप रहता, फिर यहाँ से 2 घंटे की क्लासेस यहाँ से लेता, 9:30 को ये 5 के 5ों क्लास लेके मैं घर पे आता। उसके बाद आफ्टर दैट, अब यहाँ पे ध्यान देना, मुझे खुद का भी पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं अपने कॉलेज में मैं खुद फेल हो गया तो फायदा क्या है। जरा तुम ही बताओ, मैं दूसरे बच्चे लोगों को मैं खुद पढ़ाता हूँ और मैं अपने टाइम पे, जब मैं था पहले, अगर मैं उस टाइम पे खुद ही मैं फेल हो जाता अपने कॉलेज में तो कैसा सबको लगता बताओ। मेरी खुद की डिग्री में अगर मैं फेल हो जाता तो मुझे खुद का ही पढ़ना पड़ता। तो फिर 9:30 के बाद 10 PM से मैं पढ़ना शुरू करता और 12 बजे तक मैं खुद की पढ़ाई करता, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कभी सुबह उठ करके, यहां पर इस तरीके से मैं सारी की सारी पढ़ाई करता। यानी कि मेरे पास एक भी टाइम नहीं था जिसे मैं मैनेज कर सकूं, क्योंकि मैं अपने आप को बिजी रखा था, मुझे काम करना था, मुझे वर्क करना था, क्योंकि मेरे पास वही है और मुझे करना ही है, क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता है, मुझे पसंद है काम करना। तो अब बताओ यहां पे क्या है, मैं यहां पे क्या टाइम मैनेज करूं, टेल मी। क्या तुम्हारे पास भी ऐसे इतना सारा तुम बिजी अपने आप को रखते हो? तुम तो आराम से अगर घर में बैठे हो चुपचाप से तो तुमको फिर टाइम तो मैनेज करने के लिए ऑप्शन रहेगा ही ना, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारा टाइम है। तुम सुबह उठते हो मस्त आराम से, मुंह हाथ धो के बैठ जाते हो तो अब टाइम मैनेज करने का ऑप्शन तो आएगा ही ना, क्योंकि तुम तो शांत बैठे हो। जो इंसान अपने आप को बिजी रखेगा उसके पास टाइम मैनेज करने का ऑप्शन कभी नहीं आएगा, दिस इज दी सच्चाई, यही रियलिटी है। और मैं तुम्हें सच्चाई ही बताऊंगा भले तुम्हें कड़वा लगे, वरना मैं भी ये तुम्हें कह सकता हूं कि नहीं नहीं हाँ इतने बजे उठो, इतने बजे ये काम कर लो, उतने बजे ये कर लो, ऐसे ऐसे टाइम मैनेज कर लो, ये टाइम टेबल ले लो, मैं भी कर सकता हूं ऐसी, इसमें कोई बात नहीं है।
तुमको समझ में आया इससे क्या चीज, तुमको कंफ्यूजन मिला कि तुम्हें ना कुछ भी करके, तुम्हें अगर अपने काम को करना है, तुम्हें कुछ अगर बेस्ट करना है, तो तुम्हें वो चीज को फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा, और बिना हार्डवर्क के दुनिया में कुछ नहीं मिलता। और इसी टाइम पे मेरा वाईटी भी था, यूट्यूब, मुझे वहां पर भी सारे काम करने थे, वहां पर भी मुझे सारे वीडियोस डालने, वहां पर भी क्रिएट करने। नाइट में मैं वर्क करता उस टाइम पे, और मैं सारे वर्क यहाँ पे निकालता यहाँ पर भी, क्योंकि उसी टाइम पे ये भी तो ग्रो कर रहा है, अगर तुम सबको पता होगा तो, समझ रहे हैं। फिर अभी तो सारी चीजें ऑनलाइन भी चल रही है, अभी भी ये सब ऑफलाइन क्लासेस हैं मेरे पास इस वक्त भी है, अभी भी मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ। हालांकि मैनेज करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे वो काम करना ही है, तो मैं टाइम मैनेज करने की सोच ही नहीं सकता। मैं सुबह 8 बजे उठ, मतलब अगर क्लासेस में जाता हूँ सबसे पहले सुबह 6 बजे उठने के बाद, 8 बजे से स्टार्ट करता हूँ क्लासेस, तो मुझे टाइम मैनेज करने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मेरे सारे टाइम फिक्स है, इतने बजे से यहाँ यहाँ जाना है, ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है, वो टाइम फिक्स है, मुझे टाइम मैनेज करना ही नहीं होता, समझ रहे हैं। तो अब जरा बताओ टाइम कौन मैनेज करता है, जिसके पास बहुत ज्यादा टाइम अवेलेबल होता है। अगर तुमने एक अपने आप का टारगेट बना लिया है कि तुम्हें कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए तुम्हें बस वर्क करना शुरू करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें काम करना शुरू करना पड़ेगा, और तुम उसके लिए वर्क परफॉर्म करना शुरू कर दोगे। इस बात को आपको समझ के रखना। अब मैं तुम्हें बताता हूं, जरा ध्यान देना, यहां से यहां पे जरा ध्यान देना, स्टार्ट यहां पे समझते हैं। यहां पे देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर तुम एक स्टूडेंट हो, अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, 10th की क्लास में हो, जरा यहाँ पे फोकस करना प्लीज, लिसन केयरफुली, यहाँ पे ध्यान दो। अगर 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 तुम लोग को 90+ निकालना है, अब जरा बताओ तुम यहाँ पे क्या करोगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपको, मतलब अपने आप को बिजी कैसे रखें। अभी मैंने बताया कि टाइम नहीं मैनेज करना है तुम लोग को, बस वर्क करना शुरू करना है, टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है, यही सच्चाई है। तो अब तुम ये पूछ रहे हो कि बिजी कैसे रखें, मतलब हर क्वेश्चन में तुमको क्वेश्चन आ ही जाएगा, इट्स ओके, मैं बताता हूँ, जरा यहाँ पे ध्यान दो। अब तुम बताओ अगर तुमको 90 लाना है, तो इसके लिए अगर देखो, जैसे कि मेरे लिए था कि मुझे अगर क्लासेस में पढ़ाना है, मुझे अगर अपने कॉलेज की फीस भरनी है, मुझे सारी चीजें करनी है, तो मुझे क्लासेस में पढ़ाना पड़ेगा, मुझे जगह में जाना पड़ेगा, मुझे बार बार हर क्लासेस में जाना ही पड़ेगा, मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, मुझे सब कुछ करना ही पड़ेगा, तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। तो ऐसे ही तुम्हारे लिए भी है, अगर तुमको 90 लाना है, तुम्हें सारे सब्जेक्ट आना ही पड़ेगा, तुम्हें सारे सब्जेक्ट आने ही चाहिए, अगर वो नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, समझा। तो उस लिए अब तुम्हें क्या करना है, जिस दिन तुम्हारे पास हिंदी सब्जेक्ट है, तुम्हारे पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तुम्हारे पास मराठी है, तुम्हारे पास इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स है, इतने सारे सब्जेक्ट है, और जिस दिन तुमने अपने इंपॉर्टेंस को जान लिया कि तुम्हें 90 निकालना है, तुम्हें टाइम कम पड़ जाएगा, तुम्हें पढ़ाई के लिए टाइम, समय बहुत कम पड़ जाएगा, 24 आवर्स तुम्हें कम लगने लगेंगे, यू विल नॉट बिलीव, जिस दिन तुमने पढ़ाई अच्छे से करनी शुरू कर दी, तुम्हें 24 आवर्स कम लगेंगे, तुम्हें पता भी है, क्योंकि जिस दिन तुम हिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट, सारे चैप्टर्स, हिंदी के सारे चैप्टर, मराठी के, इंग्लिश के, साइंस के, मैथ्स के, जिस दिन तुम सारे चैप्टर करोगे ना, तभी जाके 90 आएगा। और जिस दिन तुम इतने सारे सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स अगर तुम पढ़ना शुरू करोगे ना, तुमको टाइम कम पड़ जाएगा, तब तुम टाइम मैनेज करने की कोशिश नहीं करोगे, तुम बस सुबह शाम, तब तुमको सुबह में नहीं, तुमको यह भी नहीं लगेगा कि मैं शाम को पढ़ूं, कि मैं रात में पढ़ूं, कि मैं दोपहर में पढ़ूं, तुमको यह भी नहीं लगेगा, तुम बस पढ़ना शुरू करोगे, तुम्हें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं किस टाइम पे पढ़ूं, मैं सुबह उठूं कि नहीं उठूं, मैं शाम को कितने रात तक पढ़ूं, मैं दोपहर में कब पढ़ूं, मैं किस तरीके से पढ़ूं, तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि तुमको सिर्फ लर्निंग करनी होगी, जिस भी वक्त तुम्हारा मन पड़ेगा ना, उसी वक्त तुम लोग उठा के बुक और पढ़ना शुरू कर दोगे, समझ रहे हो। उस वक्त तुम कभी ये क्वेश्चन नहीं करोगे कि मुझे सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, क्योंकि तुम्हें 90 लाना है, क्योंकि तुम्हें सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स तुम्हें याद करने हैं, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, इस बात को तुम्हें समझ के रखना है। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, यही सच्चाई है, यही सच है, और मैं इसको घुमा के बिल्कुल नहीं कहना चाहता, इसीलिए तुमको समझ के रखना है कि तुमको, सीधे सीधे से बात करता हूं कि अगर तुम्हें 90 लाना है तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और जब तुम्हें सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर करने हैं, तो इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सुबह है, कि वो शाम है, कि वो रात है, कि वो दिन है, कि वो मोबाइल से पढ़ना है, कि वो यूट्यूब से पढ़ना है, कि नून अकेडमी से पढ़ना है, कि कहां से पढ़ना है, कि ऑफलाइन पढ़ना है, कौन सी नोट्स प्रीफर करनी है, ये कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जो मिलेगा उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे स्मार्ट वर्क के हिसाब से, समझा। इस बात को तुम्हें ध्यान देना है, और कोई भी टाइम का, इसमें कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, ये कोई मैटर नहीं करेगा, तुमको उस वक्त सिर्फ ये लगेगा कि यस मुझे खत्म करना है, मुझे कंप्लीट करना है,
बस यही तो बात है ना यार कि अब 30 दिन तुम्हारे सामने अवेलेबल है और 30 दिन में तुम्हें सारा का सारा सिलेबस खत्म करना है, समझ रहा है? और जब तुम्हें खत्म करना है तो अब तुम्हें किस तरीके से करना है इस चीज को तुम्हें खुद जानना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी वीकनेस, तुम्हारी स्ट्रांगनेस क्या है ये सब तुम जानते हो, तुम्हारे बारे में तुम्हें पता है, मुझे नहीं, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो हर इंसान अपने आप को वो सबसे ज्यादा अच्छा समझ सकता है, उसको सामने वाला दूसरा नहीं समझ सकता इंसान, तुमको सबसे बेटर कोई और नहीं जान सकता, बिकॉज तुम सब यूनिक हो। मैं खुद का यूनिक हूं, तुम अपने लिए यूनिक हो, इस दुनिया के सभी लोग यूनिक हैं। किसी का भी जेनेटिक कैरेक्टर सिमिलर होता है क्या? बायोलॉजी में तो पढ़ाई होगा ना तुम लोग, किसी का भी जेनेटिक कैरेक्टर सिमिलर होता है क्या? है किसी का डीएनए का स्ट्रक्चर सेम? नहीं है, सब यूनिक है इस दुनिया में। किसी का फेस किसी से मिलता जुलता है क्या? अब यहाँ पे कोई रूमर्स मत फैला देना कि एक जैसे इंसान दुनिया में सात होते हैं, ये तो बच्चे वाला कहानी है, इस बात को तुम्हें समझ के रखना है, ठीक है? तो प्लीज अब से ना तुमको पढ़ना शुरू करना है, दिन रात मेहनत करनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो, कि तुम 5 घंटे पढ़ रहे हो, कि तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो, या 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ फर्क इससे पड़ता है कि तुमने कितने चैप्टर के कितने तुमने आंसर्स लर्न कर लिए हैं, तुमको कितने चैप्टर अच्छे से याद है, तुमको इस चीज से फर्क पड़ेगा। आपसे इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने 5 घंटे पढ़ाई, कि तुमने 4 घंटे पढ़ाई, कि तुमने 10 घंटे पढ़ाई की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ फर्क पड़ेगा तो इससे कि तुमने कितने चैप्टर किस सब्जेक्ट के तुमने खत्म किए हैं, और तुम्हारा चैप्टर का जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, तुम्हारा टारगेट है, वो कितना है। इस बात को प्लीज अब से याद रखना। तो टाइम को देखना नहीं है, काम को देखना है, कितना काम कर रहे हो वो देखना है, कितना टाइम लग रहा है वो मत देखो, समझ रहा है? वरना तो लोगों के 15 15 20 20 घंटे भी पढ़ के और रिपीट करके भी 90 नहीं आते लोगों के, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इस बात को ध्यान देना, समझ के रखो अच्छे से। रबिंस धवन कह रहे हैं कि ज्यादा नींद आए तो क्या करें? यार जब तुम्हारा सपना बड़ा होगा ना तो तुम्हें नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि तुम फिर जागते हुए अपने सपने को देखोगे, सोने के बाद नहीं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? जब तुम्हारा टारगेट बहुत बड़ा होगा, जिस दिन तुम्हें कुछ पाना होगा, फिर तुमको नींद ही नहीं आएगी, समझ रहे हो? और अगर तुम्हें नींद आ रही है तो इसका मतलब कि तुम मजबूरी में पढ़ाई कर रहे हो, सच्चाई है ये, बुरा नहीं मानना, बट सच्चाई यही है कि जब हम कोई काम मजबूरी में करते हैं ना कि अरे यार करना पड़ रहा है, ऐसा होता ना कि अरे मुझे करना पड़ रहा है, पढ़ाई किसको पसंद है? अगर ऐसा तुम सोचोगे ना तो फिर डेफिनेटली तुम्हें ना क्या होगा, अंदर से वैसा ही लगेगा, और फिर तुम वही सोचोगे बार बार, फिर तुम्हें कोई मतलब समझा भी नहीं पाएगा। क्योंकि अभी अगर तुमको कह दे कि चलो लड्डू पेड़ा रखा हुआ है खा लो फटाक से, जल्दी जल्दी खा लोगे, तुमको कोई नींद नहीं आएगी। अभी कोई बोल दे चलो पबजी खेलते हैं तो फटाफट खेलना शुरू कर दोगे, समझ रहे हो? समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? जहां बोलो कोचिंग की चलना है कोचिंग की चलोगे, स्कूल चलना है स्कूल चलोगे, जहां बोलोगे वहां जाओगे और फटाफट चलोगे, और 30 30 मिनट का पूरा गेम खेल के खत्म कर डालोगे, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन अगर पढ़ाई बोलते तो तुमको नींद आएगी। इस सच्चाई में टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, बट दिस इज द रियलिटी। जहां हमें इंटरेस्ट होता है, जहां हमें मजा आता है ना जिस चीज में, उसमें ना हम उसको शिद्दत से करते हैं, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? उस चीज को हम शिद्दत से फॉलो करते हैं, वो हमें अच्छा लगता है, बट जिस चीज को हमें अच्छा नहीं लगता फिर भी करना पड़ता है ना, तो हमें वहां पे आलस आती है। दिस इज द रियलिटी ऑफ द ब्रेन, ब्रेन ऐसे ही करता है, ठीक है? तो एक काम तुमको आज बताता हूँ, तुमको एक चीज सिखाता हूँ, दुनिया में सबसे बेस्ट बात है, ठीक है? कि जब हमारा ब्रेन ऐसा करे ना, तो कभी भी कोई भी काम करने से, आचार्य चाणक्य ने कहा था कि कोई भी काम करने से पहले 20 बार सोचो, 20 टाइम्स मिनिमम सोचो कि क्या पबजी यहाँ पे खेल करके मैं सबसे बेस्ट बन सकता हूँ, या फिर मैं क्या सिर्फ पढ़ाई करके सबसे बेस्ट बन सकता हूँ, क्या मैं स्पोर्ट्स में जाके सबसे बेस्ट बन सकता हूँ, क्या मैं सिंगिंग करके सबसे बेस्ट बन सकता हूँ, क्या मैं किसी और फील्ड में जाके सबसे बेस्ट बन सकता हूँ, मैं किस चीज में बेस्ट बन सकता हूँ? अगर तुम मानते हो कि मुझे पढ़ाई करके ही बेस्ट बन सकता हूँ, तो ऑब्वियसली तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए ना, क्योंकि तुम इसमें से बेस्ट बन जाओगे, समझ रहे हो? अगर तुम पढ़ाई लिखाई करके एक आईएएस ऑफिसर बन गए, और पढ़ाई लिखाई करके अगर तुम एक सबसे बेस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल बन गए, तुम इस पबजी गेम को भी बंद कर सकते हो, तुम्हारे पास इतनी पावर है, पढ़ाई में ये ताकत होती है। अगर तुम पढ़ाई लिखाई करके एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए, तुम पबजी का भी सबसे बड़ा गेम बना सकते हो, पबजी कुछ नहीं तुम्हारे सामने, कोडिंग करके तुम सबसे दुनिया का बेस्ट गेम क्रिएट कर सकते हो, यू विल नॉट बिलीव। अगर तुम सबसे बेस्ट पढ़ाई करके नॉलेज गेन कर लेते हो, तुम किसी भी स्पोर्ट्स की टीम का कोच भी बन सकते हो, उस टीम को हैंडल कर सकते हो, समझ रहे हो? उस टीम के, उस सिस्टम के तुम सीईओ बन सकते हो। सबसे ज्यादा पावर एजुकेशन में है,
चाहे वो स्पोर्ट्स हो, सिंगिंग, डांसिंग, इन सबसे ज्यादा पावर एजुकेशन में है। इस बात को ध्यान देना, जहां पावर की बात है वहां एजुकेशन का नाम आता है। बाकी तो फिर तुम्हारे इंटरेस्ट हैं, जो तुम्हें अच्छा लगता हो तो कर लो, कोई बात नहीं है, फेमस होना है हो जाओ, बट जहां पावर की बात है वहां नॉलेज। जितने भी पॉलिटिशियन है अपने इंडिया के देखते हो, सिर्फ पावर के दम पे क्या से क्या कर सकते हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी पॉलिटिशियन के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके पास पावर है। पैसा नहीं बोलता वहां पे, वहां पे दिमाग बोलता है, समझ रहा है? तो नॉलेज गेन करते रहो, टैलेंट गेन करते रहो, टैलेंट के अलावा कुछ नहीं होता, इस बात को समझ लेना। और नॉलेज को तुम पैसे से कभी भी मेजर कर भी नहीं सकते, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इतने बड़े बड़े अमीर अमीर आदमी लोग गवर्नमेंट के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके पास दिमाग होता है, नॉलेज होती है। सोच लो इस बात को, हमेशा दिमाग में रख लो। तो पढ़ाई करना आज भी है, शुरू कर दो। चलो अब तुम लोग के क्वेश्चन पूछना शुरू करो। तो टाइम मैनेजमेंट का कोई ऑप्शन नहीं बचता, ठीक है? टाइम मैनेज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, तुमको सिर्फ सारे चैप्टर की पढ़ाई करनी है। चलो नेक्स्ट, अब मैं तुमको खुद का एक यहाँ पे नेक्स्ट बताता हूँ, टाइम फॉर सब्जेक्ट। अब थोड़ा सा तुमको यहाँ पे प्रॉपर 10th के लिए गाइडेंस देता हूँ, ये तो तुम्हारा लाइफ के लिए हो गया, ठीक है? अब चलो मैं तुमको यहाँ पे प्रॉपर चीजें बताता हूँ, टाइम फॉर सब्जेक्ट। देखो एक बात बताता हूँ, हम बहुत सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, जरा प्लीज यहाँ बताना। यस, मैं लास्ट के ना 10 मिनट ना मैं क्वेश्चन का टाइम छोड़ूंगा, जिसमें से ना तुम लोग मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, लाइक व्हाट इज योर ड्रीम, जो भी तुम्हें पूछना होगा यार तुम सब पूछ लेना, ठीक है? डोंट वरी, मैं सब बता दूंगा, जो भी तुम पूछोगे। कैश क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके दो ना सर, साइंस के प्लीज। ओके ऋतुराज, मैं दूंगा, लेकिन यार वो मराठी में लिखा है ना, तो थोड़ा सा देख लो अच्छे से। यस मयूर, रुको बताता हूँ। देखो टाइम फॉर सब्जेक्ट, हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, बट उसमें से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि जो बहुत ज्यादा टाइम खा जाते हैं, और कुछ सब्जेक्ट बहुत कम टाइम खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैथ्स है और जैसे कि साइंस है, ये दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिससे कि तुम्हारी लाइफ भी बन सकती है, और तुम बहुत बेस्ट इंसान भी बनना चाहते हो, और इसी के थ्रू तुम अच्छा करोगे भी आगे चल के। हिस्ट्री ज्योग्राफी ज्यादा कोई जल्दी पढ़ता नहीं है, बट उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और इसमें ना तुमको ज्यादा टाइम हमेशा लगेगा। बट जब बात आती है हमारे हिस्ट्री की, या किसी भी लैंग्वेज की, ठीक है, या फिर किसी ज्योग्राफी की, है ना, ऐसे जब इनकी बात आती है तो इनमें लेस टाइम लगता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा एक फ्रेंड था, और उसने सिर्फ 10 डेज के अंदर पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद कर लिया था। पूरे साल भर उसने पढ़ाई नहीं हिस्ट्री ज्योग्राफी, बोलता ये तो मैं कर लूंगा ऐसे ही, और उसने हिस्ट्री ज्योग्राफी लास्ट के 10 डेज में, छह छह सात सात चैप्टर तो होते ही है हिस्ट्री ज्योग्राफी में, 7 से 8 8 चैप्टर तो हिस्ट्री ज्योग्राफी में होता ही है। तो उसने क्या किया, लास्ट के 10 दिन इसको बचा के रखा था, और लास्ट के 10 दिन में इसने पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी कर लिया। लर्निंग तो करनी थी। अब देखो आपको पता ही नहीं होता कि आखिर इसमें करना क्या है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्या करने का, सिर्फ डाइजेस्ट उठाने का, डाइजेस्ट और जो पीछे के एक्सरसाइज होते हैं ना, पीछे के एक्सरसाइज, उस सारे एक्सरसाइज के आंसर को लर्न कर लो, पेपर में जाके देखे आओ, तुमको सारे क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे, ठीक है? इस बात को तुम्हें ध्यान देना है। तो सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्ट उठाने का, और पीछे के जितने भी क्वेश्चन और आंसर हैं तुमको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कर लेना होता है, इस बात को तुम्हें ध्यान देना है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर तुम्हें यहां से कर लेना होता है, इस बात को समझ के रखो। तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी अपने आप हो जाती है। रही बात लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में राइटिंग स्किल्स में फोकस करो, और इंपॉर्टेंट थिंग्स बता दो ऐसे है, जैसे कि वही राइटिंग स्किल्स की बात कर रहा हूँ, ग्रामर सेक्शन, किस तरीके से पैराग्राफ में से तुम लोग आंसर को ढूंढोगे, इस चीज को थोड़ा सा लैंग्वेज में ज्यादा फोकस करो, बस अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा, किसी चीज का फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन की बात नहीं होगी, ठीक है? इस बात को ध्यान देना। हाँ, जहां बात आती है ग्रामर की, तो मैं मानता हूं कि ग्रामर के कंटेंट तुमको कहीं शायद ना मिले, क्योंकि इंग्लिश का कोई चीज पढ़ाता ही नहीं कोई भी, बट फिर भी मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ठीक है? क्या करो, कोई भी एक राइटिंग स्किल की बुक खरीद लो, चेतना पब्लिकेशन की या फिर किसी भी पब्लिकेशन की, और उसी की राइटिंग स्किल्स को बस मस्त करना शुरू कर दो, ठीक है? संस्कृत का आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ा हूं, बट मैं गांव से पढ़ा हूं अपने, तो मुझे महाराष्ट्र के संस्कृत के सिलेबस का कोई आइडिया नहीं है, आई डोंट नो। जिसका मुझे आइडिया नहीं, उसके बारे में कुछ बात नहीं कहूंगा, ठीक है? तो उसके लिए सॉरी, जो चीज के बारे में मुझे नहीं पता उसके बारे में मैं हाँ ना कुछ नहीं कहता हूँ। मैंने संस्कृत पढ़ी है, मुझे संस्कृत बोलने भी आती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने अपने विलेज में पढ़ा है संस्कृत, मैंने यहाँ की लैंग्वेज में नहीं पढ़ा, ठीक है? इस बात को थोड़ा समझ के रखो अच्छे से। सर आप गुजरात? नहीं बाबा, मैं गुजरात से नहीं, ठीक है? तो इस बात को थोड़ा ध्यान देना अच्छे से, तो ये थोड़ा समझ के रखो। लैंग्वेज में तुमको ग्रामर में थोड़ा फोकस करना, और पैराग्राफ से आंसर कैसे निकालना होता है उसमें थोड़ा फोकस करना, अच्छे खासे मार्क्स निकाल लोगे। जब बात आती है मैथ्स और साइंस की, तुमको एक बात मैं आज सीधे सीधे कह देता हूं कि तुमको अब से दिन के कम 7 से 8 घंटे देने पड़ेंगे।
सेवन से एट आवर तुमको देना पड़ेगा आपसे पढ़ाई के लिए, ठीक है? इस बात को आपको समझ के रखना है। और इतने घंटों में तुमको 4 घंटे तो मिनिमम मैथ्स और साइंस को ही देना पड़ेगा, मतलब 2 घंटे मैथ्स 2 घंटे साइंस रोज देना पड़ेगा, इस बात को समझ के रखो। अगर मैं तुमको यहां पे बात करूं तुम्हारे सिर्फ मैथ्स की बात करूं, तो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में जो भी चैप्टर तुमको पसंद है अब से तुम उसी चैप्टर को पहले करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तुमको अगर पसंद होगा पहला ही चैप्टर अलजेब्रा का लीनियर वेरिएबल्स है ना, तो उसको अगर तुम उसी को कर दो उसी को करना शुरू कर दो। अगर तुमको ज्योमेट्री में सिमिलैरिटी पसंद है तो उसको ही कर लो, सर्कल पसंद है उसको कर लो, तुम्हारे ऊपर ना कंस्ट्रक्शन जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम उसको पहले करो। और ट्राई करो कि तुम्हारा ऐसा मत सोचो कि मेरा एक दिन में एक चैप्टर हो, अगर कोई चैप्टर एक दिन में, अगर कोई दो चैप्टर एक दिन में होता ना तो भी कर लो, अच्छी बात है, जितना जल्दी हो सके। अब तुमको थोड़ा फास्ट और जल्दी बढ़ना है, अगर वही आलस बन के एकदम बैठे रहोगे ना ऐसे मुंह बना के, मतलब आलसी आलसी और एकदम अंदर से लेजीनेस, तुमको फिर अच्छे से काम नहीं हो पाएगा, तुम जीवन में कुछ नहीं ऐसे कर नहीं पाओगे अगर ऐसे आलस बैठे रहोगे आलसी बन के, तो ठीक है इसी वक्त से तुमको शुरू कर देना है। और जितने सब्जेक्ट हो सके जिस चैप्टर के उसको तुमको ना एकदम करना शुरू करना है, थोड़ा लेजीनेस को अपने अंदर से हटाओ और ऊपर उठ के आगे बढ़ो, ठीक है? इस बात को तुम्हें मैथमेटिक्स में ध्यान देना, ठीक है? चलो अभी आप जरा ध्यान देना, अब साइंस की बात करता हूं, तो साइंस का कंप्लीट रिवीजन तो मैं तुमको करा के दे ही रहा हूं, साइंस का कंप्लीट रिवीजन तो मैं तुमको करा के दे ही रहा हूं, बट स्टिल अब साइंस में तुमको 2 घंटे अपने घर में दिन में देने हैं। किस लिए देना है? लर्निंग करने के लिए। क्या लर्न करना है? क्वेश्चन देखो, एक काम करो, मराठी में जो क्वेश्चन बैंक आया है किसी अपने स्कूल टीचर से कॉन्टेक्ट करो, कैसे भी करके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करवाओ, या किसी को अगर इंग्लिश में मिल गया हो तो सेंड मी, मैं उसका तुरंत ही आंसर दे दूंगा। एक्चुअली मैं मराठी मीडियम से नहीं था तो मुझे मराठी में थोड़ी चीजें ऑप्शन में थोड़ा इश्यू होता है, तो इंग्लिश में मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। अगर मैं कर दिया जिस दिन, मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको कर लूँ मैं फटाफट, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, गूगल ट्रांसलेशन से नहीं होता है उतना अच्छे से, बट अगर ट्रांसलेट हो भी गया और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है यार, करीबन 400 से 500 क्वेश्चन है, उतने सारे क्वेश्चन अगर ट्रांसलेट करने जाऊंगा तो 10 दिन लग जाएगा। तो अगर ट्रांसलेट हो गया तो मैं डेफिनेटली तुमको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं हुआ तो मैं आई एम ट्राइंग कि क्या हो, मैं देखता हूँ। ओके, तो ये बात समझ के रखना। चलो अभी यहाँ पे आ जाओ, तो साइंस को तुमको दिन के 2 घंटे देने हैं, तुमको क्वेश्चन बैंक और पीछे का जो एक्सरसाइज है तुमको इन दोनों को लर्न करना है। कसम से कहता हूँ, एक बात तुम्हें ध्यान देता हूँ, फॉर क्लास 10th ओनली अगर तुम क्वेश्चन बैंक के सारे जितने भी साइंटिफिक रीजन है, अगर तुम सारा साइंटिफिक रीजन, तुमने सारा का सारा एमसीक्यू, तुमने सारा का सारा ट्रू फॉल्स यानी ऑब्जेक्टिव, अगर तुमने सब कर लिया, सब के सब कर लिया, तो तुमको ना पक्का कहता हूं कि तुम आराम से साइंस में 70+ निकाल लोगे। अगर अच्छे से पेपर रिप्रेजेंट करोगे तुम 80+ भी चले जा सकते हो। ये क्वेश्चन बैंक की हालत है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन बैंक देखा है तो बहुत से क्वेश्चन मुझे पता चले कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारे क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा बचा ही नहीं है जो क्वेश्चन बैंक में ना हो, क्वेश्चन बैंक में सब क्वेश्चन दे के रखा है। तो इसलिए कहता हूं कि 10th के बच्चों को क्वेश्चन बैंक में तुमको फोकस करना है, क्योंकि सारे जितने भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में दे रखा है। यानी कि 10th के बच्चों को या तो 21 या तो क्वेश्चन बैंक में पूरा फोकस रहना चाहिए, जिससे कि तुम सबका फायदा हो जाए। क्वेश्चन बैंक नहीं पता कहाँ पे मिलेगी, गवर्नमेंट की वेबसाइट में डाला हुआ है, ठीक है? तो जाओ क्वेश्चन बैंक उठाओ, पूजा तुम्हें अभी तक नहीं मिला क्वेश्चन बैंक, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया क्वेश्चन बैंक, ये वाली वेबसाइट में जाओ, ma.ac.in, जाओ यहाँ सर्च करो, एंड ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक आ गया है, ठीक है? इस बात को ध्यान देना, समझ रहे नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, प्लीज इस चीज को समझ के रखो। ओके, तो मैंने फाइनली तुमको यहाँ पे सब कुछ बता दिया है। नेक्स्ट, अब तुमको एक यहाँ पे अगला टॉपिक तुमको यहाँ पे बताता हूँ, सबसे बड़ी बात है, मैंने टाइम का तुमको बता दिया कितने घंटे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कम से कम 2 घंटे साइंस को देना है, 2 घंटे मैथ्स को देना है, फिर इसी तरीके से हिस्ट्री ज्योग्राफी उनकी भी तुमको लर्निंग करनी है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी इसके बाद बताऊंगा कि जब तुम पेपर में बैठोगे तो कौन से क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे, किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, उनको कैसे सॉल्व करोगे, ये सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा। अब चलो बात करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंट्रोल योर सेल्फ। ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे बेस्ट टॉपिक है। भाई एक बात तुम बताओ,
तुम्हारे पास बहुत बड़ी ताकत है, तुम हल्क हो, ठीक है, द हल्क तुम ही हो, ठीक है, या फिर गॉड जिला तुम ही हो, या किंग कॉन्ग तुम हो, थॉर हो, चलो ठीक है तुम थॉर हो, तुम बजरंग बली हो, ठीक है, लेकिन अगर तुम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो तो फायदा क्या है तुम्हारे पास इतनी बड़ी शक्ति का होने का, ठीक है। अगर तुम सबसे बेस्ट हो लेकिन अगर तुम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो तो क्या फायदा, जरा बताओ, कोई फायदा है इस चीज का? नहीं ना। तो अब जरा यहां पे समझो, इस वक्त ना तुम्हारे मन में, जरा सच बताना, मैं ना एकदम साइकोलॉजी के ऊपर बात करता हूँ, मैंने साइकोलॉजी पढ़ रखी है, अब ये मत कहना कि ये भी सर आपने कब पढ़ लिया बट यस इट्स ओके, मैंने पढ़ रखी है। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जरा सच सच कहना, जब तुम पढ़ने बैठते हो, जितने भी बच्चे यहाँ पे अवेलेबल हो, जब तुम पढ़ने बैठते हो, जितने भी यहाँ पे बॉयज लोग हैं, अब 100% तो मैं बात नहीं कर सकता ना, साइकोलॉजी कभी भी परसेंटेज पे बात करती है, 100% प्योरिटी नहीं होती, ठीक है। तो एक अंदाजे के हिसाब से मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमेशा जब तुम पढ़ने बैठते हो तो तुम यही सोचते हो ना कि मेरे पास ये कार होनी चाहिए, मैं लैम्बोर्गिनी खरीदूंगा, मैं कल पबजी में इस तरीके से फाइट मारूंगा। काश अगर तुमने कोई गेम में खेल के रुका होगा ना, तुमने ये बोलोगे, अरे इसको मैं ऐसे शॉट मारता ना ये बराबर मर जाता, अभी बढ़ाऊंगा ना ये वाला मोबाइल खरीदूंगा, मैं ना अभी iPhone 12 Pro खरीदूंगा और उसके अंदर पबजी खेलूंगा, मैं ना गेम का पूरा सेटअप ले लूंगा, फिर उसके बाद मैं बाहर देश घूमने जाऊंगा, फिर मेरा जो क्लासेस है आज उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, अब मैं इसको मारे बिना छोड़ूंगा नहीं ये बचेगा नहीं मेरे हाथ से कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पे होते होंगे, तो ये भी बोलते रहोगे, ठीक है। किसी को गाने सुनने पसंद होंगे तो वो गाने के बारे में सोचते रहेगा, बहुत सारे लोगों के और कुछ होंगे और कुछ सोचते रहोगे तुम लोग, हो सकता है यार, ठीक है, बताओ जरा, इनके अलावा कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, तुम यही सब सोचते हो, ठीक है, कि मैं यहाँ जाऊंगा, मैं ये कार खरीदूंगा, मुझे वो कार का मॉडल पसंद है, मुझे वो गन पसंद है, मुझे ऐसे स्वैग में चलना है, मैं ये वाली बाइक खरीदूंगा, और मुझे ये पसंद है वो पसंद है, और समझ रहे हो ना, यही सारी चीजें होती हैं। जब तुम पढ़ने बैठोगे ना तो पढ़ते पढ़ते यही सब सोचने लगते हो, एंड आफ्टर 30 मिनट तुम सो जाते हो, आफ्टर 30 मिनट तुम्हें नींद आने लगती है, समझ रहे हैं? और मैं पूरे 100% गाइस की ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, इसमें से 90% लोग को ऐसा ही होता है, 10% यूनिक होते होंगे बट 90% लोग के साथ ऐसा ही होता है, समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? चलो अब मैं बात करता हूँ गर्ल्स की, ये गर्ल्स लोग क्या सोचते हैं, ये गर्ल्स लोग यही हमेशा सोचते रहते हैं कि अगर पढ़ाई नहीं करूंगी तो पापा मेरे शादी करा देंगे ठीक है, पढ़ाई नहीं करूंगी तो मुझे दुनिया लोग क्या कहेंगे, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है वो करना है, आज मेरी सहेली ने ये मेकअप किया था तो मुझे भी ये मेकअप करना है, आज मेरी सहेली ने ये वाले कपड़े पहने थे, OMG वाह बहुत अच्छे कपड़े हैं, मुझे भी ये खरीदने हैं और दिन भर उसी कपड़े के बारे में सोचते रहना, ऐसे 90% होते हैं, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसा नहीं सोचते होंगे बट स्टिल बाकी लोग ऐसे ही सोचते हैं ज्यादातर, बाकी मुझे गर्ल्स का ज्यादा आइडिया भी नहीं है, ठीक है, बट यस स्टिल वो ऐसे ही सोचते हैं, और सच्चाई यही है, झूठ नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसा ही होता है जब तुम पढ़ने बैठते हो, कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनके साथ ऐसा नहीं होता है, बट हाँ अब तुम्हें एक बात बताता हूं, ठीक है, यहां पर जरा ध्यान दो, कभी भी प्लीज एंड प्लीज कहता हूं कि कभी भी ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो कि कौन क्या करता है, कौन क्या पहनता है, कौन कैसे है, उसके पास क्या है, वो क्या है, कभी ये हमेशा ये सोचो कि उसके पास क्यों है और तुम्हारे पास क्यों नहीं है। देखो तुम बहुत अच्छा सोचते हो, अगर बॉयज भी जितने भी यहाँ पे अवेलेबल हो, तुम सोचते हो कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे ये गेम का सेटअप चाहिए, मुझे वो खेलना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अच्छी बात है ना सोचना, मैं कभी इसको सोचने में मना नहीं करूंगा तुमको, सच कह रहा हूं मैं, नेवर, कभी भी नहीं मैं तुम्हें मना करूंगा, बट ये सोचो कि अगर तुम सोचते हो कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सोचो, अगर तुमको कोई चीज पानी है और तुम्हारे पास नहीं है तो वो क्यों नहीं है, अगर गर्ल्स में भी अगर सामने वाले ने बहुत बेस्ट कपड़े पहने तो तुमने क्यों नहीं पहने हैं, उसने क्यों पहने, तुमने क्यों नहीं पहने, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, जब तुम ये सोचोगे ना तुम्हें पता चलेगा कि या तो उसके फादर बेस्ट है क्योंकि उन्होंने मेहनत की थी अपने जमाने में और आज वो उनको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो तुम लोग भी आज उनके जैसे ही नहीं कर पा रहे हो, तुम बेस्ट नहीं बन रहे हो, और अगर बॉयज लोग हैं तो उनको यहाँ पे कुछ करना है तो वो बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ना है, ये क्यों सोच रहे हो तुम लोग, वो लोग आगे बढ़े तब ना वो सब कुछ पा रहे हैं, अगर उन्होंने नहीं किया तो उनके फादर ने सब कुछ किया ना, क्योंकि उनके फादर ने मेहनत की ना तो वो सब कुछ पा रहे हैं ना, हो सकता है तुम्हारे फादर के पास उसी सिचुएशन ना रही हो तो उन्होंने पढ़ाई ना कर पाए रहे होंगे,
बट तुम तो तुमको पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, तुमको बेस्ट करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, बट तुम फिर भी नहीं कर रहे, तुम दूसरों को देख रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? तुमको वो स्कूल में डाल के रखे, तुमको उन्होंने ऑनलाइन क्लास में डाल रखा है, तुमको उन्होंने ऑफलाइन क्लास में डाल रखा है, बट स्टिल तुम लोग ये सब सोच रहे हो कि मेरे को लैम्बॉर्गिनी चाहिए, पढ़ाई करने के बजाय तुम लोग लैम्बॉर्गिनी के बारे में सोच रहे हो, तुम दूसरों को देख रहे हो, कैसे चलेगा ऐसे में? अब समझा, सोचना अच्छी बात है बट तुम्हारे पास वैसा क्यों नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात जानना बहुत जरूरी है। तुम लोग ये जानो कि तुम्हारे पास क्यों नहीं है और कब आएगा, किस तरीके से आएगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा उसके लिए कि तब आएगा, इस बात को तुम्हें ध्यान देना है। तो प्लीज इस चीज को समझ के रखो, सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करो, क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग एक जगह नहीं रहेगा ना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? इस बात को ध्यान देना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक अब तुमको बताता हूँ। यस, अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना प्लीज, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसको कंट्रोल नहीं करके रखोगे, उसको एकदम ओपनली छोड़ दोगे, तो फिर वो बहुत कहीं भी चला जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 10th में न्यूमेरिकल्स की, 10th के बच्चों में न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। देखो भाई, न्यूमेरिकल्स अगर मैं साइंस में बात करूं, तो सिर्फ और सिर्फ साइंस वन में ही न्यूमेरिकल है, साइंस वन में न्यूमेरिकल है। तुमसे एक बहुत बड़ी चीज बता देता हूं कि तुमको ना, जो फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन है, इसके न्यूमेरिकल अगर तुम देखो, करने को सब कर लो, टॉप करना है, बट जहां स्मार्ट वर्क की बात है, तो सबसे पहले थियरी में फोकस करो, एक्टिविटी में फोकस करो, जो एक्टिविटीज होती हैं क्वेश्चन में उनमें, उसके अलावा साइंटिफिक रीजन में फोकस करो, एमसीक्यू में फोकस करो, समझ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन है उन सब में फोकस करो, समझ रहे हैं? छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन उन सब में फोकस करो। न्यूमेरिकल्स में कब फोकस करना है? जब तुम्हारा ये सब हो जाएगा तो तुमको न्यूमेरिकल पढ़ना है। उसमें भी न्यूमेरिकल तुमको सबसे पहले किस चैप्टर के करने? चैप्टर नंबर 4 के, चैप्टर नंबर 6 के, चैप्टर नंबर 7 के सबसे पहले करने हैं। तुम पहले कभी भी चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल में कभी भी हाथ मत लगाना। कैसे? चैप्टर नंबर 1 का नाम है ग्रेविटेशन, चैप्टर नंबर 5वें का नाम है हीट, और ग्रेविटेशन और हीट के न्यूमेरिकल में पहले हाथ कभी मत लगाना, वरना डीमोटिवेट हो जाओगे और न्यूमेरिकल्स को कभी हाथ नहीं लगाओगे। पहले किसके न्यूमेरिकल करने? जब तुम्हारा ये सब हो जाएगा, थियोरी पूरी पढ़ के हो जाएगी, तुमको पूरा एमसीक्यू आता है, पूरा तुमको एक्टिविटी आती है, साइंस का पूरा साइंटिफिक रीजन आता है, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव सब तुमको आते हैं, और उसके बाद तुम्हें न्यूमेरिकल में फोकस करना है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और 7 के न्यूमेरिकल तुमको करना है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर नंबर 6 है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर नंबर 7 है लेंसेस। तुम लोग को तुम्हारे चैप्टर तो नाम याद है ना पक्का? नहीं तो पता चला तुमको अपने सब्जेक्ट के चैप्टर के नंबर भी नहीं याद है और चैप्टर के नाम भी नहीं याद है। अगर ऐसा है तो फिर हो गया यार, खत्म कहानी। मतलब मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है, तुम लोग का क्या है भाई, ऐसे नहीं चलेगा। एटलीस्ट तुमको तो याद रखना चाहिए ना, ठीक है? इस बात को तुमको समझ रखना है, ठीक है? तो तब से सबसे पहले न्यूमेरिकल अगर करना ही है, देखो न्यूमेरिकल को पहली प्रायोरिटी मत दो, पहली प्रायोरिटी 10th में हो तो साइंस सिर्फ थियरी को दो। न्यूमेरिकल को प्रायोरिटी कब देना? जब तुम्हारा थियरी पढ़ के हो जाएगा, तो फिर चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के ही पहले न्यूमेरिकल करना। जब इनके भी हो जाएंगे तब जाके पहला और पांचवे में हाथ लगाना, ठीक है? जब इनके भी हो जाएंगे तो पहले, उसमें भी तब पहले वाले को मत करना, तब 5th वाले को करना, क्योंकि फर्स्ट वाले का न्यूमेरिकल जल्दी नहीं आता एग्जाम में। 2 साल एग्जाम हो चुका बोर्ड का, अब तक चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल नहीं आए हैं एग्जाम में, क्योंकि ये न्यूमेरिकल अपने आप में बहुत बड़े हैं और टीचर खुद सॉल्व करते करते पागल हो जाता है 10th का। वो खुद नहीं करवा के देता रहेगा स्कूल में, तुम्हारे स्कूल में टीचर ने खुद नहीं पढ़ाया होगा, बताओ पढ़ाया है क्या? फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल टीचर ने खुद नहीं करवाए होंगे, ठीक है? तो ऐसे ही होता है, मैं जानता हूं नहीं करवाए होंगे यार, मैंने पूरा करवा दिया, जाके देख लेना एक बार, ठीक है? तो तुम्हारे टीचर ने खुद नहीं करवाया होगा। थियरी का मतलब होता है ऋतुराज, यही तुम्हारा जो यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, साइंटिफिक रीजन, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, है ना, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोविंग्स, ये सब थियरी कहलाता है, इसको पहले करो। और जो क्वेश्चन होते हैं ना, फॉर्मूला लगाओ साइंस में, साइंस में फॉर्मूला लगा के करो, उसको न्यूमेरिकल कहते हैं। तो न्यूमेरिकल को सबसे बाद में करो, अगर करना ही है तो सबसे पहले 4th चैप्टर, 6th चैप्टर, 7th का न्यूमेरिकल करना, फायदे में रहोगे, कह दे रहा हूँ। और अगर पहले और 5वें को पहले करो तो टाइम वेस्टेज है, करते रहो, मेरा क्या है, मेरा बताना काम है, ठीक है? इस बात को तुमको समझ के रखना है। चैप्टर नंबर 5th हीट के न्यूमेरिकल तभी करना जब तुमको पता चल जाए कि तुमको 4th, 6th, 7th का न्यूमेरिकल अच्छे से आता है, तो तुम इसमें फोकस करना हीट में। अगर तुमको नहीं आता तो जाओ पहले तुम 6 जाओ, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल करना शुरू कर दो, ठीक है? चलो, और न्यूमेरिकल सबसे कम आते हैं बोर्ड एग्जाम में, न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं। अगर तुम न्यूमेरिकल छोड़ के मत जाओ, चैप्टर नंबर 4, 6, 7 के न्यूमेरिकल करके जाओ,
छोड़ना ये तो चैप्टर नंबर 1 और 5th का न्यूमेरिकल छोड़ दो, बट बाकी सारे न्यूमेरिकल करके जाओ। स्पेस मिशन के भी इट्स ओके, वहां के भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। स्पेस मिशन की कसम से कह देता हूं, मैं तुमको अभी कह देता हूं, स्पेस मिशन का एक भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आ गया ना तो कह देना नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं ना तुमको, स्पेस मिशन से एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, ये फिक्स है, प्लीज बात मानो। क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये बात एकदम दिमाग में बिठा लो, ये सच्चाई है। और नहीं आएगा क्योंकि वो टीचर को भी नहीं आएगा यार, पेपर सेटर को भी, वो भी दिमाग उसका गर्म हो जाएगा ऐसे, क्योंकि उतने बड़े कैलकुलेशन बिना लॉक टेबल नहीं हो सकते, और 10th में लॉक टेबल प्रोवाइड नहीं किया जाता अपने महाराष्ट्र बोर्ड में, तो इस वजह से ना वो लॉक टेबल देंगे नहीं, और विदाउट लॉक टेबल उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। व्हाट इज लॉक टेबल, आधे बच्चों को यही नहीं पता होगा, तो वो क्वेश्चन नहीं आएंगे। मेरे से पूछो ना, मैं बता रहा हूँ ना तुमको, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बस ठीक है, इतना समझ के रखो। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना, जो कि कैलकुलेटर कैलकुलेटर को कुछ नहीं मिलने वाला है, इसीलिए तो वो क्वेश्चन नहीं आएंगे यार, कह रहा हूँ ना। अब तुमको मालूम है वहां पे कितने बड़े बड़े क्वेश्चन के सॉल्यूशन होते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक वहां पे ऐसे रहेगा, तुम लोग को बहुत बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, लाइक 6.67 इंटू 10 रेस टू माइनस 11 इंटू 3.044 इंटू 10 रेस टू माइनस 18 अपॉन 3.005 इंटू 10 रेस टू 8 का होल स्क्वायर। अब इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए विदाउट कैलकुलेटर या विदाउट लॉक टेबल तुम सॉल्व नहीं कर सकते, तुम कब तक डिवाइड मारोगे, कब तक मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर को कब तक संभालते बैठोगे, समझ रहे हैं? पूरे आधे घंटे चले जाएंगे इसमें, और कोई टीचर भी इस क्वेश्चन को नहीं देगा सॉल्व करने के लिए, करा के नहीं देगा वो। और लॉक टेबल तो बिल्कुल भी तुमको 10th में मिलता ही नहीं है, तो फायदा ही नहीं है, समझा मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए प्लीज जितना कहता हूं उस बात को मानो, क्योंकि मैं तुमको जो चीजें बताता हूं उसको फॉलो करोगे तो घाटा नहीं होए तुमको। तो क्या करना है, चाहे साइंस 1 रहे चाहे साइंस 2 रहे, साइंस 1 में सबसे पहला काम है तुम्हारा सारी थियोरी करना। सारी थियोरी में कौन, एक्टिविटीज, साइंटिफिक रीजन, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, जितने भी डाइजेस्ट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में सब कर लो, सब कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल तभी करना है जब तुमको थियरी हो जाएगी, तो न्यूमेरिकल में हाथ लगाना, और करना भी तो कौन से न्यूमेरिकल, चैप्टर नंबर 4 के, चैप्टर नंबर 6 के, चैप्टर नंबर 7 के। जब ये भी हो जाएगा और थियरी भी हो जाएगी, तभी जाके चैप्टर नंबर पहला और पांचवे का न्यूमेरिकल हाथ लगाना, उसमें भी चैप्टर नंबर पांचवे का ही पहले करना, बाद में पहले का करना, ठीक है? इस बात को प्लीज फोकस करो, इस तरीके से करोगे घाटे में नहीं रहोगे। अगर तुमने एक गलती कर दी, तुमने सबसे पहले पहले और पांचवे का न्यूमेरिकल करना शुरू कर दिया, तुमको बहुत हार्ड लगेगा, याद भी नहीं होगा, समझेगा भी नहीं जल्दी, और तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी, तब तक तुम्हारा यहां का टाइम वेस्ट हो जाएगा और तुम ये भी नहीं कर पाओगे, तुम इसी में अटके रहोगे। तो याद रखना थोड़ा दिमाग लगाने का। साइंस 2 में आ जाओ, साइंस 2 में सभी बंदों को एक बात कहता हूं, चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, चैप्टर नंबर 9 दैट इज सोशल हेल्थ, एंड चैप्टर नंबर 10 कौन सा है, चैप्टर नंबर 10 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट है ना, तो ये दोनों, ये तीनों चैप्टर को, चाहे बंदे को 90 लाना हो, चाहे बंदे को 70 लाना हो, चाहे बंदे को सिर्फ पास होना हो, ये सारे चैप्टर प्लीज करके जाना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत आसान है और सबसे आसान चैप्टर, और यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो इन चैप्टर को कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। जो छोड़ के इन चैप्टर को साइंस 2 से जाएगा उसका भगवान मालिक है, ठीक है? तो ये चैप्टर तुमको सारे करके जाने हैं। उसके बाद जिसको टॉप करना है, 90 लाना है, वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और उसके बाद चैप्टर नंबर सेल बायोलॉजी ना, चैप्टर नंबर 8वां, तो ये चार चैप्टर तुमको करने हैं, और प्लस ये तीन कर लो, बस तुम आराम से 90 भी, तुम 85+90 निकाल लोगे साइंस में, साइंस 2 के सारे चैप्टर, ठीक है? देखो जिसको 90 लाना वो पहला, दूसरा, तीसरा, आठवां, दसवां, नौवां, चौथा, इतने चैप्टर कर लो, हो जाएगा आराम से। अगर करना ही है तो देखो चैप्टर नंबर 6 को आराम से करो, जब सब पढ़ के हो जाए तो चैप्टर नंबर 6 में हाथ लगाना, पांचवे में तभी हाथ लगाना, इन दोनों में तभी हाथ लगाना जब सब पढ़ के हो जाए, ठीक है? इस बात को थोड़ा सा फोकस रखो, ओके? चलो, 7th चैप्टर में बहुत सारी बैक्टीरिया के नाम है। अब कृष्णा, अगर मैं तुमसे ही बात करूं कि सैक्रोमाइसिस सेरेवसी की स्पेलिंग बताओ, बता पाओगे? सेरेवसी की स्पेलिंग नहीं लिख पाओगे, कोई भी नहीं लिख पाएगा जल्दी। एनीबॉडी कैन? सैक्रोमाइसिस सेरेवसी की स्पेलिंग लिख के दिखाओ फटाक से, कॉपी मत करना। नो यू कांट, यू कांट, नहीं लिख पाओगे। तो मैं कह रहा हूं ना कि वो चैप्टर याद करके भी गलती करके मार्क्स कट जाएंगे, तो मैं जो सोच के कहता हूं चीजों को, मैं ऐसे नहीं बैठा हूं, ठीक है? तो मैं तुमको बता रहा हूं ना, ये सभी का स्पेलिंग क्या कुछ भी लिख रहे हो परफेक्टली, चलो ठीक है। हाँ, अदिति ने सही लिखा, देखो, ठीक है? चलो, तो ये बात तुमको समझ के रखना। अदिति तुम्हारा भी रॉन्ग हो गया, ए को पहले लिखो, ई को बाद में लिखो, लास्ट में। देखा, मैं बोल रहा हूं ना, सरे वैसी में ए को पहले लिखो, ई को बाद में लिखो।
मैं इसलिए तुमको कह रहा हूं कि चैप्टर नंबर 7 सबको याद हो जाएगा, आसान है वो, बट उसके स्पेलिंग अगर तुमने रॉन्ग स्पेलिंग लिख दी ना, तो वो लिख के भी कोई फायदा नहीं, वो रॉन्ग ही हो जाएगा, क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे ही नहीं रे बाबा। वहां पे कितने सारे बैक्टीरिया है, बायोफिडम बैक्टीरियम है, फिर सक्रोमाइसिस सेरेवेसी है, एजेटोबैक्टर है, कितने सारे हैं, डेलब्रुकाए, अरे बाप रे बाप सब गलत है। मतलब मैं कह रहा हूं ना, इस बीच को थोड़ा समझ के रखो, तो मैं सोच समझ के कहता हूं, ठीक है? तो वो चैप्टर करो, लेकिन उसकी स्पेलिंग्स अगर तुमने गलती कर दी वहां पे तो नहीं लिख पाओगे, समझ रहा है? इस बात को समझ के रखना है। हाँ, आसान आसान टॉपिक करना, लाइक लैंड फिलिंग साइट्स वहां पे है, फिर वहां पे तुम लोग एक टॉपिक है वहां पे बायो इंसेक्टिसाइड्स है ना, फिर वहां पे व्हाट इज एंटीबायोटिक्स, ये सब क्वेश्चन कर लो, जिसमें बैक्टीरिया का नाम ज्यादा नहीं है उसको कर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना कर सकते हो चैप्टर नंबर 7 से उतना निकाल लो, बट ज्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है? हाँ, ऑयल स्पिलिंग कर लो जितना है, ठीक है? चलो, हाँ यस मिहिर, अच्छा होता है, ठीक है? तो इतना तुमको ध्यान देना है, समझ में आई मेरी बातें? मैंने तुमको सब यहाँ पे गाइडेंस दे दिया है, सब कुछ मैंने तुमको बता दिया है, अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है? अब तुम पूछो, तुमको क्या पूछना था? मैंने बोला था लास्ट के 10 मिनट तुम्हारे लिए दूंगा मैं। सर, आई हैव इंटरेस्ट इन बायोलॉजी, सो व्हाट कैन आई डू इन दैट, इज देयर एनी कैरियर इन इट? अरे बायोलॉजी में कैरियर, अरे बाप रे, तुमको मालूम है बायोलॉजी में अगर तुम कैरियर क्या बना सकते हो? पहली बात, तुम बायोलॉजी से सीधा एमबीबीएस डॉक्टर बन जाओगे, और अगर एक बार तुम एमबीबीएस डॉक्टर बन गए, देखो तुमको बताता हूँ कितना पैसा तुम महीने का कमा सकते हो, जस्ट यहाँ एक बार देखो महीने का कितना पैसा तुम कमा सकते हो, यहाँ जरा देखो। तुमने क्या करोगे, तुम अपना एक क्लिनिक खोलोगे, तुम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करोगे, वहां पर भी करना पड़ता है, और तुम्हारा प्राइवेट इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में भी तुम काम करोगे। हर एमबीबीएस डॉक्टर को 3 जगह काम करते ही सभी लोग को मिल जाता है जॉब, बहुत इजीली मिल जाता है, खुद हॉस्पिटल वाले कॉल करके तुमको बुलाते हैं। क्लिनिक में अगर एक दिन में 50 पेशेंट तुम्हारे घर में आते हैं, मतलब क्लिनिक में तुम्हारे, और 50% लोगों में से अगर तुम हर एक बंदे से 1,000 रुपीज 1,000 रुपीज फीस लेते हो, एक इंजेक्शन डाल दो और एक दो दवाई दे दो और 1,000 रुपया, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ तो ये तुमको कितना हो गया, 50,000 रुपए का दिन, पर डे 50,000 रुपीज, क्योंकि अगर 50 पेशेंट रोज आते हैं तो 50,000 रुपीज पर डे, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, पर डे 50,000, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, पर डे, 30 दिन की बात अलग है समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ओ एम जी, यू विल नॉट बिलीव, ये बहुत कम अमाउंट है, अच्छे अच्छे क्लिनिक में और ज्यादा पैसा होता है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? चलो यहाँ पे जरा ध्यान दो, तो अब 50,000 और इंटू तुम जरा 30 करोगे तो कितना होता है, 30 और ये 0 0 और एक और 0, इतने 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 रुपये तुम कमा लोगे महीने के। गवर्नमेंट में अगर जाओगे तुमको 1 लाख रुपीज सैलरी होती है एक महीने की, और प्राइवेट में भी वहां पे तुमको 5 to 6 लाख रुपीज देते हैं एक मंथ की सैलरी, तो करीबन तुम महीने का 40 लाख रुपए कमाओगे, पर मंथ 40 लाख रुपीज पर मंथ, 40 लाख अगर तुम एक बार एमबीबीएस बन जाते हो बायोलॉजी, ठीक है? ध्यान देना अच्छे से, इस बात को मैं कह दे रहा हूं। तो क्या करो 10th के बाद, अरे तुमको बिलीव नहीं हो रहा है, यू विल नॉट बिलीव, तुमको पता ही नहीं अभी तक आधे से ज्यादा चीजें, तुमको आधे से ज्यादा चीजें पता ही नहीं है एक डॉक्टर कितना पैसे कमा सकता है, और ये तो मैं 1,000 रुपीज कम कह रहा हूँ, डॉक्टर तो कितना 3,000 3,000 4,000 भी लेते हैं मालूम नहीं, और अगर तुम कहीं कार्डियो के सर्जियन बन गए, या तुम कहीं ब्रेन के, या फिर तुमको तुम अगर हेपेटोसाइट्स के कुछ डॉक्टर बन गए ना, तब तो तुम एल लो बाबा और ज्यादा कमाई, एमबीबीएस हो मतलब पैसा तो मिलेगा ना। तो 10th के बाद 11th और 12th में मस्त फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ पढ़ाई करना, और उसके बाद नीट की एग्जाम देना है तुमको, बता देता हूँ कैसे बनोगे, नीट एग्जाम देने के बाद किसी भी कॉलेज से 4 साल की डिग्री के बाद एमबीबीएस, बहुत आसान है पढ़ाई करना, बहुत आसान है, और एमबीबीएस की डिग्री मिलते ही इतना पैसा कमाना शुरू कर दोगे, समझ रहा है? ये बात ध्यान रखना अच्छे से, तो बस मेहनत करना शुरू करना, सबसे ज्यादा पैसा क्लिनिक से ही मिलेगा तुमको, तुम्हारी क्लिनिक से, वरना गवर्नमेंट में 1 लाख और ये 5 to 6 लाख रुपीज तो सिर्फ प्राइवेट से मिलता है, अगर तुम बहुत अच्छे सर्जन बन गए तो 10 10 लाख रुपए भी देते हैं प्राइवेट वाले, इसको भी समझ के रखना अच्छे से। तो डॉक्टर से ज्यादा पैसा कहीं भी नहीं है, अगर नौकरी नहीं करनी है तो डॉक्टर से ज्यादा पैसा कहीं भी नहीं है, और एमबीबीएस करने के बाद अगर तुम एमडी बन गए, एमडी तो समझो कि और ज्यादा पैसा कमाओगे यार, मतलब तब तो पैसे की बौछार होगी घर में, बट यस मैं कहूंगा कि पैसे की वजह से मत जाना पढ़ाई करने, लोगों की मदद दिल से, लोगों को ठीक करना, क्योंकि तुम डॉक्टर नहीं भगवान बनोगे, इस बात को तुमको समझ के रखना है, ठीक है? और भगवान लोगों को हेल्प करता है, सिर्फ अपने फायदे की बात नहीं करता, इस बात को तुम्हें समझ रखना है, चलिए ठीक है? तो इन बातों को थोड़ा ध्यान देना, ओके? चलो, आर्ट में के है तो होता है क्या, अरे आर्ट में कैसे एमबीबीएस बनोगे रे बाबा, आर्ट में तो नेता बनोगे, टीचर बनोगे,
साइंस में ही इतना पैसा है, उसमें भी एमबीबीएस में बहुत पैसा है। एमबीबीएस इसीलिए तो अपने इंडिया में सिर्फ 1,000 सीट तो है ही है, सब एमबीबीएस थोड़ी बन सकते हैं। इंजीनियर कोई भी बन जाता है, लेकिन नीट देके कोई नहीं बन सकता। सिर्फ 1,000 सीट इंडिया में अवेलेबल है, हर साल लाखों बच्चे पेपर देते हैं इस 1,000 सीट के लिए। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? और अगर घर में तुम्हारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो तुम पढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि एक साल की फीस कम से कम 1 लाख से 2 लाख रुपए होती है एमबीबीएस करने के लिए, और 4 साल का कोर्स होता है, करीबन 10 लाख रुपए तुम्हें पहले लगाना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। लगा पाओगे? ध्यान देना अच्छे से, नहीं लगा पाओगे तो कोई फायदा नहीं है पढ़ के। ठीक है, चलो इस बात को ध्यान देना। तो यस, अच्छा मैं कैसे अंडरस्टैंड करता हूँ चैप्टर को? मैं देखो, मेरा एक ही काम है, कोई भी चैप्टर मेरे सामने आता है तो पहले मैं उसको इंटरेस्ट से पढ़ता हूँ कि मुझे यह चैप्टर अच्छा लगता है, फिर मैं उस पूरे चैप्टर को लाइन टू लाइन रीड करता हूँ पेंसिल या पेन लेकर के। मुझे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं मैं उनको मार्क कर लेता हूँ और उनका मीनिंग वहीं पे बगल में मैं लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरा चैप्टर की रीडिंग होती है। आफ्टर दैट मैं उसके एक्सरसाइज को अच्छे से एकदम, जब मैंने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, उसको प्रिपेयर किया है, तो मैं एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन होते हैं उनको फिर बाद में लर्न करना शुरू करता हूँ। उसी टाइम पे मैं याद करता हूँ, बाद के लिए नहीं छोड़ता, मैं तुरंत याद करता हूँ। और जब मैं एक्सरसाइज उसी टाइम पे याद करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये जो यहाँ का चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में यहीं से मुझे आते हैं पहले से, और ऐसा 2 से 3 बार मैं रिपीट करता हूँ, सब कुछ मुझे समझ जाता है, बस और कुछ नहीं। चलो देखो, आर्ट से तुम देखो, कोई भी फील्ड बुरा नहीं होता, सब फील्ड अच्छा होता है, तुम आर्ट से भी बेस्ट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, नीट एग्जाम क्या होती है पूजा? नीट एक ऐसा, देखो क्या होता है ना, तुमको भी पता नहीं है, तुमको एक एक ऐसा मैं गाइडेंस सेशन लेके आऊंगा। ठीक है, मैं एक ऐसा गाइडेंस, मतलब फ्यूचर रिलेटेड गाइडेंस सेशन, एक वर्कशॉप रखूंगा, डोंट वरी, फ्यूचर रिलेटेड गाइडेंस एक सेशन रखूंगा मैं, कि तुमको 10th के बाद क्या कर सकते हो, कैसे क्या क्या बनते हो, कहाँ कितना स्कोप है, कितना अच्छा कर सकते हो, किस फील्ड में। मैं एक ऐसा सेशन लेके आऊंगा अपने नून अकेडमी में, डोंट वरी। ठीक है, तो मैं तुमको एक बात बताता हूँ। देखो हम लोग ना, अगर हम क्या करते हैं, 10th के बाद हमारे पास ऑप्शन होते हैं बहुत सारे, हम साइंस में जा सकते हैं, हम आर्ट्स में जा। देखो यार, बहुत सारे लोग कहते हो हम हीरो बन जाएंगे, हीरोइन बन जाएंगे, बट दुनिया में एक बात तुमको बताता हूँ, 30 से 40 लाख रुपए का महीना तुम सिर्फ डॉक्टर बन के ही कमा सकते हो। तुम दुनिया की कोई भी हीरो बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, इतना पैसा और कहीं नहीं है। और अगर तुमने किसी अमीरों का ऑपरेशन कर दिया, तुम बेस्ट डॉक्टर बन गए ना पूरे मार्केट के, मान लो मुंबई का सबसे बेस्ट डॉक्टर कोई है, तो करोड़ रुपए एक दिन में कमा लेता है, एक दिन में 1 करोड़ रुपए भी कमा लेता है वो। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, तो डॉक्टर से ज्यादा पैसा किसी भी फील्ड में नहीं है, अगर पैसे कमाने जाना है, बाकी तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, चलो यहाँ देखो, और साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, मुझे साइंस का ज्यादा आइडिया है। साइंस के बाद बच्चे जो ही दो ही चीजें ज्यादा बनते हैं, एक इंजीनियर बनते हैं और एक डॉक्टर डॉक्टर बनते हैं। लेकिन ये बनने के लिए इंडिया में क्राइटेरिया होती है, सुनना ध्यान से। अगर इंजीनियर बनना है तो तुमको महाराष्ट्र की सीईटी देना पड़ेगा, या तो फिर आईआईटी का पेपर देना पड़ेगा, दो चीजों से बन सकते हो। अगर डॉक्टर बनना है तो सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ नीट का एक पेपर होता है। ये जितने भी पेपर है, चाहे डॉक्टर बनो चाहे इंजीनियर बनो, सब 12वीं के बाद होते हैं। 12वीं जिस जिस साल तुम्हारा 12वीं का पेपर होगा, उसी साल इनका पेपर होता है। ये परीक्षाएं होती है जो गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है या कोई इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाते हैं, और उस हिसाब से तुम्हारा पेपर होता है, जिसके सबसे अच्छे मार्क्स इन पेपर में आते हैं। जैसे कि किसी का सीईटी या फिर आईआईटी में अच्छे मार्क्स आ गए तो उसको इंजीनियर अच्छा कॉलेज में मिलेगा, जिसे किसी के नीट में अच्छे मार्क्स आएंगे तो उसको डॉक्टर के लिए, एमबीबीएस बनने के लिए अच्छा कॉलेज मिलेगा, नहीं आएगा तो नहीं मिलता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। और अगर ये क्लियर नहीं कर पाओगे, तुम ना तो इंजीनियर बन पाओगे ना डॉक्टर बन पाओगे, थोड़ा समझ के रखना। ठीक है, हैंडीकैप लोगों के लिए भी सेम पेपर होता है, बस उनको थोड़ा सा फायदा मिल जाता है कि कम मार्क्स में भी ज्यादा अच्छा कॉलेज मिलेगा, एंड नथिंग, बस इतना ध्यान रखना। हल्दी कहती है हाँ, बट आई ऑल्सो वन बी फेमस एंड आई नो आई एम नॉट केपेबल टू डू एनी रिसर्च और डिस्कवरिंग समथिंग। यस यू कैन यार, बन जाओ फेमस। फेमस तो आजकल टिकटॉक के लोग भी बन जाते हैं। ठीक है, वहां पे बस नाचना शुरू करो एंड लाइफ फेमस। क्या बोलती पब्लिक, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बट यस पढ़ाई करते रहो। फेमस देखो बनना है तो किस चीज में फेमस बनना है, अच्छाई के लिए कि बुराई के लिए? भाई फेमस तो हमारे घर का एक चोर भी है, उसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, 10 दिन से मिल नहीं रहा है, वो भी फेमस है हमारे एरिया में, और रात को आता है बस घर से सामान गायब करके चला जाता है। तो फेमस सभी लोग हैं, बस फेमस किस चीज के लिए बनना है, अच्छे के लिए बुरे के लिए, कैसा फेमस? फेमस में बहुत चीजें होती हैं, फेमस मतलब बस पॉपुलर बन जाना, पॉपुलर तो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, चलो तो देखो, फेमस विद रिस्पेक्ट, ऐसा फोकस करो। ठीक है, फेमस भी बनना है बट रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए अपनी, समझ रहा है? फेमस और जहां जाओ बस इतना बड़ा बन जाओ कि जहां भी जाओ तो लोग बैठे ना रहे, सब खड़े हो जाए तुम्हारे लिए, बस इतना फेमस बन जाओ, बस फिर देखो तुम्हारी चांदी चांदी।
ठीक है, ऋतुराज मैं दे दूंगा सॉल्व करके। ओके चलिए ठीक है। सो मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है, अब कुछ बाकी नहीं है। सब कुछ तुम्हें मैंने यहाँ पे आज शेयर किया, कैसे पढ़ाई करनी, सब कुछ। व्हाट इज माय ड्रीम, मेरी ड्रीम अगर मैं बता दूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा, अपने ड्रीम बताई नहीं जाती, पहला रूल यही है। ठीक है, तो मेरा ड्रीम यही है कि किसी को बता नहीं सकता कि क्या है। एग्जैक्टली तुमको भी यही सीख के रखना है। ठीक है चलो। अदिति कह रही है सर आई एम थिंकिंग टू ओपन अ वाइड चैनल फॉर स्टूडेंट्स स्टडी विद मी ब्लॉग्स। ओ हो, टू मोटिवेट अदर्स। यस यस यू कैन, व्हाई नॉट, बहुत अच्छी बात है यार, शुरू करो। चलो ठीक है, सो मिलेंगे अब और कभी ऐसे ही मस्त वाले वर्कशॉप में। एक अच्छा समय जरूर लेके आऊंगा तुम्हारे लिए कोर्स, जिसमें मैं बताऊंगा फ्यूचर का गाइडेंस और किसमें कितना स्कोप है, सब बताऊंगा, डोंट वरी। ओके प्रथम मैं देखता हूँ क्या है। ओके डोंट वरी, प्रथम मैं देखता हूँ। ठीक है चलो, सो बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय 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 बाय।